खबर है झारखंड से। नियुक्ति रद्द होने के बाद विधानसभा के बाहर जमा हुए शिक्षक भाजपा विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का दिया सुझाव। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को शिक्षक विधानसभा के पास जमा हुए। शिक्षकों से विधायक अमर कुमार बावड़ी, विधायक हटिया नवीन जायसवाल, विधायक भानु प्रताप शाही ने मुलाकात की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया। मौके पर नेताओं ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता उनके साथ है और इस लड़ाई में हर कदम पर उनके साथ है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए करेंगे नई नियुक्तियां शिक्षा मंत्री। तो देखिए क्या है पूरा मामला। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वे हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नई नियुक्तियां करेंगे। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के आदेश पर मंत्री ने सोशल मीडिया में कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व की भाजपा आजसू सरकार ने एक गलत नीति और गलत परंपरा को राज्य में स्थापित किया था। इन राजनीतियों दलों से राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इन लोगों ने 13 जिला बनाम 11 जिला की गलत नीति लाई थी। करे कोई और भरे कोई वाली बात चरितार्थ हुई है। खबर है रांची से। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य में ग्राम पंचायत विकास योजना VDP बनाने का काम 2 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके लिए राज्य भर में सबकी योजना सबका विकास अभियान चलाया जाएगा। 31 जनवरी 2021 तक चलने वाले अभियान के दौरान सभी पंचायतों अपना VDP तैयार करेगी। इसे तैयार करने के दौरान ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा पंचायतों को पेयजल एवं स्वच्छता, विशेषकर जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और मनरेगा जैसे संबंधित स्कीमों को भी शामिल करना है। ग्रामीण विकास विभाग ने सबकी योजना और सबका विकास अभियान के संचालन और इससे संबंधित ट्रेनिंग के लिए भी सभी DC DDC को मंगलवार को लेटर जारी कर दिया है। किसान अध्यादेश के खिलाफ 25 को भारत बंद का ऐलान। खबर है नई दिल्ली से। सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हुए किसान संगठनों ने 25 जून को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का ऐलान करने वालों में भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति शामिल है। माना जा रहा है कि किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का भारत के कई राज्यों में असर देखने को मिल सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में बंद का व्यापक असर हो सकता है। कोरोना के खतरे और हो रही परेशानी को लेकर अब सहायक पुलिसकर्मी समझौते के पक्ष में हैं और अपनी सरकार से समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का मंगलवार को 11वें दिन भी जारी है। आंदोलन की शुरुआत भले ही सीधी नियुक्ति को लेकर हुई है, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे और हो रही परेशानी को लेकर अब सहायक पुलिसकर्मी समझौते के पक्ष में हैं और अपनी सरकार से समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में नियोजन नीति के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे का सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली रघुवर सरकार ने 11 और 13 जिलों के लिए अलग अलग नियम बनाकर राज्य को बांटने की कोशिश की थी। हालांकि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस पर आगे कदम उठाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त हो हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर सही तरीके से हाईकोर्ट में पक्ष नहीं लिखा। आदिवासी मूल वासियों के हित में नियोजन नीति बनाकर उन्होंने स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता दी थी, पर वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय युवकों को सरकारी नौकरी मिले। संविधान की 5वीं अनुसूचित में राज्यपाल को शेड्यूल एरिया के मामले में नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। झारखंड में विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जाने वाले नियमावलियों में त्रुटि होने के कारण राज्य में होने वाली बहालियाँ लटकती रही है। नियमावलियों में त्रुटि के कारण ही नियुक्ति से संबंधित अधिसंख्य मामले हाईकोर्ट में चल जाते हैं। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होती है और कई बार नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक भी लग जाती है। नियमावली में बार बार बदलाव करने तथा त्रुटिपूर्ण नियमावली बनने के कारण ही झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा पूर्ण होने में 5 साल लग गए। देश में सरकारी शिक्षकों के 17% पद खाली, सबसे अधिक बिहार और फिर UP में।
केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लोकसभा में बताया है कि पूरे देश में शिक्षकों 60,84,000 पद की स्वीकृति है, जिनमें से 10,06,000 पद खाली है। सबसे अधिक 2,07,000 पद बिहार में खाली हैं, जिसके बाद यूपी में 2,01,000 खाली है। वहीं मिजोरम में शिक्षक का एक भी पद खाली नहीं है। राहुल गांधी बोले, मोदी जी की नीयत साफ, किसानों को जड़ से साफ, पूंजीपतियों मित्रों का खूब विकास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, 2014 मोदी जी की चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला MSP, 2015 मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा, 2020 काले किसान कानून। उन्होंने आगे लिखा, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपतियों मित्रों का खूब विकास। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ की नकली भारतीय करेंसी व 1 किलो 200 ग्राम सोना के साथ 9 लोग अरेस्ट। कुछ बिहार में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने संयुक्त अभियान में 1.17 करोड़ कीमत की नकली भारतीय करेंसी, 1 किलो 200 ग्राम वजन के 17 सोने के बिस्किट के साथ 9 लोग गिरफ्तार किया है। बोकोल प्रभारी निरीक्षक सौम्यजीत राय बोले, नकली करेंसी और सोने की तस्करी कर असम ले जाया जा रहा था। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेन के संशोधित टेंडर किया जारी, रेलवे की कोच फैक्ट्री में बनेगी 44 ट्रेनें। वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे एक बार फिर टेंडर जारी किया है। 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए संशोधित टेंडर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जारी किया गया है। वेबसाइट पर टेंडर अपलोड कर दिया गया है। रेलवे का दावा है कि इस ट्रेन सेट के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत का बढ़ावा मिलेगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की सफलता को देखते हुए रेलवे ने 44 ट्रेन सेट चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 29 सितंबर को फ्री बिड मीटिंग बुलाई गई है। 17 नवंबर को टेंडर खोली जाएगी। ट्रेन सेट चेन्नई स्थित ICF, कपूरथला स्थित MCF और रायबरेली कोच फैक्ट्री में बनाई जाएगी। इस बार टेंडर स्थानीय जारी किया गया है। दरअसल पिछले बार जो टेंडर जारी किया गया तो उसमें चीन की एक कंपनी ने ट्रेन सेच बनाने की इच्छा जाहिर की थी, इस वजह से पिछले बार इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया था। संशोधित ट्रेन मेक इन इंडिया नीति के तहत जारी किया गया है। ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले 75% सामान स्वदेशी होगा, यानी देश में ही निर्मित सामान से बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई स्थित कोच फैक्ट्री में महज 1 साल मेक इन इंडिया के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करने में सफलता हासिल की थी। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट है। बिना इंजन के चलने वाले डेमो व मेमो का अपग्रेड वर्जन है। यह ट्रेन दिल्ली वैष्णो देवी व दिल्ली वाराणसी के बीच सफलतापूर्वक चल रही है। पीएम उज्ज्वला योजना, मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन चाहिए, मात्र बचे हैं 8 दिन, जल्द करें आवेदन। आप भी मुफ्त में गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में LPG सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस योजना का लाभ उठाना है तो आपको जल्द ही इसके लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस योजना का लाभ उठाने की तारीख 30 सितंबर है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से इस योजना चलाई जा रही है, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। यही नहीं, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन देने का है, लेकिन इस योजना के लिए केवल 11 दिन का समय बचा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मिला राशन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सोमवार को खूंटी जिले में नीतू देवी के परिवार को लाभान्वित किया गया। लाभुक बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इस मौके पर लाभुक नीतू देवी ने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ लेकर अब उन्हें राशन के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्होंने खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र की डीलर रीना देवी से संपर्क किया, तत्पश्चात उन्हें इस सुविधा मिली। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब अन्य राज्य में किसी भी राशन दुकान से अपना राशन प्राप्त किया जा सकता है और गांव में आपका परिवार अपना राशन कोटा उठा सकता है। जम्मू के बाद संभाग को किश्तवाड़ में भी मिलेगा हवाई अड्डे की सौगात। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जम्मू एयरपोर्ट से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किश्तवाड़ जिले में जम्मू संभाग का दूसरा हवाई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत इस हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 2018 से लंबित इस योजना के मूर्त रूप लेने से आम लोगों को सुविधा मिलने के अलावा
सामरिक दृष्टि से लाभ होगा। किश्तवाड़ जिला लद्दाख सीमा से सटा है। सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ब्रिगेडियर विक्रम भान कमांडर 9 सेक्टर आरआर और एस कटोच आयुक्त नागरिक उड्डयन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मधुमक्खी पालन व शहद के व्यवसाय उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू। किसान खेती बाड़ी सहित अन्य व्यवसायों के साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे ताकि उनकी आमदनी में और ज्यादा इजाफा हो सके। राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू किया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन सर्वधन प्रोजेक्ट पर अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं जिले में उनके लोग इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मधुमक्खी व्यवसाय की तरफ रुझान है। अब जिला स्तर पर अभियान भी चलाया जाएगा। अब आरबीआई की निगरानी में आएंगे सहकारी बैंक। विधेयक को मिली सांसद की मंजूरी। सहकारिता क्षेत्र में बैंकों की बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी दायरे में लाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। यह है विधेयक का उद्देश्य। पीएमसी बैंक घोटाले की पृष्ठभूमि में लाए गए इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी बैंकों में पेशेवर तौर पर तरीके को बढ़ावा, पूंजी तक पहुंच को बेहतर बनाना, प्रशासन में सुधार लाना, रिजर्व बैंक के माध्यम से समुचित बैंकिंग व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। सूबे के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कोरोना काल के अप्रैल से सितंबर तक का देरी से बिजली बिल भुगतान करने पर बिजली कंपनी को जुर्माना नहीं देना होगा। दूसरी ओर औद्योगिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान अप्रैल, मई और जून के फिक्स चार्ज में अस्थायी छूट दी गई है। बिजली कंपनी अगले बिल में इसे वसूल सकेगी। इस आशय का आदेश सोमवार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोजन ने जारी कर दिया है। कर्ज माफी पर झूठ बोलने के लिए शिवराज और सिंधिया मांगे माफी। कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के किसान की कर्ज माफी पर पहले दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलने रहे हैं। इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश खुद शिवराज सिंह ने विधानसभा में कर दिया है। सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26,95,000 किसानों को 11,600 करोड़ रुपए में से अधिक का कर्ज माफ किया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि ग्वालियर दौरे के दौरान मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को किसानों की कर्ज माफी के उद्देश्य की खुली बहस करने की चुनौती दी थी। उनकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरकार ने 26,95,000 किसानों का कर्ज माफ किया था और स्वीकृति की प्रक्रिया में शेष 5,90,000 किसानों की संख्या को भी स्वीकार किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।